सो गाइस यार हम आ चुके फिर से करना वीडियो के साथ में। और आज आपको मैं कलर ग्रेडिंग सिखाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप को एंड तक देखना। और बात कर लेते प्रमोशन की, तो उसके लिए स्पाइडर गेमिंग तो ये सेलेक्ट हुए, तो इनके चैनल को जाके एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो इनको सपोर्ट करना। और यदि आपको भी अपना चैनल प्रमोट करवाना है तो इस वीडियो में कहीं पर भी कोड मिल जाएगा, उस कोड को जाके मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं अपने। तो ये वाली कुछ हमारी नॉर्मल क्लिप है, तो आप देख सकते हैं। तो इसको हमको एडिट करना है, तो हमको इसके स्टार्टिंग में आना है, देन इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ से हमको जाना है इसकी एडजस्टमेंट पर। फिर एडजस्टमेंट पर आने के बाद यहाँ से हमकी ब्राइटनेस को यहाँ से कुछ इंक्रीज करना है, लगभग 20 करीब रख लेना है इसको। तो यहाँ से इसको हम ब्राइटनेस को 20 रख लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को नहीं छेड़ेंगे, सैचुरेशन को -100 कर लेंगे, देन वाइब्रेंस को यहीं छेड़ेंगे। फिर यहाँ से हम टेम्परेचर पर आएंगे, टेम्परेचर को यहाँ से हम कुछ इसको -10 के -5 रख लेंगे कुछ इतना। देन इसके हाईलाइट्स पर आएंगे, हाईलाइट्स का से हम +40 करीब रख लेंगे, तो इसको +40 रख लेते हैं। तो इसको +40 रखने के बाद इसकी शेडो पर जाएंगे, शेडोज को हम माइनस में रखेंगे। तो यहाँ से हम इसको कुछ -10 के करीब रख लेंगे, -20 रख लेते हैं। यहीं तक के बाद इसके गेन को यहाँ से +3 रख लेंगे, गामा को भी +3 रख लेंगे, लिफ्ट को यहाँ से -10 रख लेंगे। तो लिफ्ट है यहाँ से इसको -10 रखेंगे, तो कुछ देख सकते हैं यहाँ से हमने लिफ्ट को -10 रखा है, और गामा +3, गेन +3, शेडोज -20, हाईलाइट्स +40, टेम्परेचर -5, और फिर यहाँ से सैचुरेशन -100, और फिर ब्राइटनेस को यहाँ से 20 रखना है। तो कुछ इस तरह से आप भी रख लेना, फिर इसको यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना है। नहीं इतना करने के बाद यहाँ से हमको जाना है लेयर पर, फिर मीडिया पर जाना है, फिर यहाँ से इमेज पर जाना है, और ये येलो वाला बैकग्राउंड इसको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करना, फिर इस क्रॉपिंग पर क्लिक करना, फिर यहाँ से इसके मास्क को इनेबल कर देना, और जो फीदर है इसको यहाँ से फुल कर देना है, तो फीदर को 50 रखना, फिर यहाँ से डन कर लेना है। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, अपने इस बैकग्राउंड जो हमने यूज़ किया था ना, इसको कुछ इस तरह से सेट कर लेना, फिर इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ से हमको जाना है इसके ब्लेंडिंग मोड पर, इसको यहाँ से जाकर ओवरले कर लेना, कुछ इस तरह से करना है। देन इतना करने के बाद येलो इफेक्ट तो आ चुका है, इसमें थोड़ा सा रेड इफेक्ट और देंगे, जिसके लिए हमें क्या करना है, इस लेयर पर क्लिक करना, फिर यहाँ से इसका डुप्लीकेट कर लेना है। इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे, और फिर इसके कलर पर जाएंगे, यहाँ से कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कुछ पिंक कलर रख लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें पिंक एंड येलो कलर का कुछ इस तरह से इफेक्ट आ चुका है, इतना करने के बाद राउंड हो चुका है। फिर यहाँ से हम इसमें ब्लू टोन देंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से लेयर पर जाएंगे, लेयर पर जाने के बाद यहाँ से फिर से मीडिया पर, फिर यहाँ से इमेज पर, और अबकी बार यहाँ से कोई बैकग्राउंड, तो यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर लेते और इसको कुछ इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। देन यहाँ से इसके कलर पर जाएंगे, और यहाँ से इसको रख लेंगे हम कुछ लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू नहीं डार्क ब्लू कलर रखना है इसको कुछ इतना, तो कुछ इतना कलर रख लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से राइट पर क्लिक कर देंगे, इतना करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे इसके ब्लेंडिंग मोड पर, और यहाँ से पर जाने के बाद इसको यहाँ से हम सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर देंगे, और इसकी ऑपोसिटी को यहाँ से हम 60 रख लेंगे, यहाँ से कुछ इसको 60 रखने के बाद यहाँ से इसको डन कर लेंगे। इतना हो चुका है, इतना करने के बाद कुछ इस तरह से इफेक्ट आ चुका है। इतना करने के बाद यहाँ से हमको क्या करना है, इसमें अपने कैरेक्टर को कैरेक्टर में इफेक्ट देना है, कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट है उसमें कलर देना है, तो इसके लिए इसको लेयर पर क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट एज लेयर पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद यहाँ से हमको जाना है इसके एडजस्टमेंट पर, इसके जो सैचुरेशन है उसको यहाँ से 0 कर लेना है, तो कुछ इस तरह से। फिर इतना करने के बाद यहाँ से डन कर लेना है, फिर से इस क्लिप पर क्लिक करना, फिर यहाँ से इसकी क्रॉपिंग पर जाना है, कुछ इस तरह से अपने जो कैरेक्टर है उसको कट कर लेना है, तो खाली अपने कैरेक्टर को रखना है, तो कुछ इस तरह से अपने कैरेक्टर को कट कर लेंगे। देन यहाँ से जो मास्क है ना इसको इनेबल कर देंगे, और फीदर को यहाँ से फुल कर देंगे, फिर इसके शेप पर जाएंगे और इसको यहाँ से राउंड शेप रख लेंगे, और कुछ इतना करने के बाद यहाँ से कुछ इतने से अपने कैरेक्टर को कट कर लेंगे अच्छे से। तो हमने कुछ इस तरह से कट कर लिया, देन इतना करने के बाद इसको अपने जो नीचे कैरेक्टर है ना उसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, बराबर कर देंगे उसके, तो कुछ इतना कर दिया। देन इतना करने के बाद फाइनली कुछ इस तरह से हो चुका, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का इफेक्ट आ चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में बता देना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।